प्रमेह चिकित्सा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। और जैसा कि सुश्रुत ने प्रमेह चिकित्सा को 3 पार्ट में किया है, प्रमेह चिकित्सा, प्रमेह पीड़िका चिकित्सा और मधुमेह चिकित्सा, तो 12वां चैप्टर जो है प्रमेह पीड़िका का है। तो पहली बात तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चरक ने प्रमेह पीड़िका को शस्त्र साध्य बताया है, ठीक है। प्रमेह पीड़िका को शस्त्र साध्य बताया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। साध्य प्रमेह पीड़िकाओं के लक्षण श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है। प्रमेह पीड़िकाओं में अवस्था अनुसार क्रिया विशेष का निर्देश, इनसे जो है प्रमेह पीड़िका, प्रमेह पीड़ित है ना, जो पीड़ित प्रमेह रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए विशेष रूप से, और इन पीड़िकाओं के पूर्व रूप में अवतर्पण, वनस्पतियों का क्वाथ और बकरे का मूत्र सेवन कराना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व रूप में, प्रमेह पीड़िका के पूर्व रूप में ही क्या करना है, अपतर्पण कराना है। श्लोक में आया है अपतर्पण, वनस्पतियों का कषाय देना है, वस्त्र मूत्रम यानी कि अज बकरे का मूत्र देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूर्व रूप में ही प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा सुश्रुत ने बताई है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। इस नियम का पालन न करते हुए मधुर पदार्थों का सेवन करने वाले उस रोगी का मूत्र स्वेद और श्लेष्मा मीठा हो जाता है, मतलब नहीं माना, पूर्व रूप वही हुए ना, संचय संचय आप परता दोषा न लभन्ते उत्तरोगति, और नहीं माना ये बात, ये सब लंघन वगैरह नहीं किया, वनस्पति कषाय नहीं लिया, तो लगातार मीठा मीठा खाए पड़ा हुआ है, तो मूत्र स्वेद श्लेष्मा मीठा हो जाता है, प्रमेह रोग की अभिव्यक्ति हो जाती है, तब ऐसी दशा में वमन विरेचन द्वारा संशोधन कराया जाता है। तो पहले अवतरण कहाँ था, पूर्व रूप में, संशोधन जब अभिव्यक्ति हो गई, प्रमेह हो गया, तो वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार न करने वाले व्यक्तियों में बढ़े हुए दोष मांस रक्त को दूषित कर शोथ या अन्य उपद्रव को उत्पन्न कर देते हैं। हम लोगों ने कई उपद्रव भी प्रमेह के पढ़े थे। इस दशा में पूर्वोक्त अवतर्पण से विरेचन जो भी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले अभी पढ़े हैं, अभी हमने षष्ठी उपक्रम में बताया ना, अवतर्पण से विरेचन तक एकादश उपक्रम, वही यहाँ भी कह रहे हैं और साथ ही साथ शिरावेद कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना आपको पढ़ना है यहाँ पे कि पूर्व रूप में हमको लंघन कराना है, वनस्पति कषाय देना है, वस्त्र मूत्र प्रयोग करना है और अभिव्यक्ति हो जाने पे वमन विरेचन कराना है, और साथ ही साथ एकादश उपक्रम षष्ठी वाले अवतर्पण से अवि याद कर सकते हैं, अवि, अ से अवतर्पण, वी से विरेचन, अवि शिरोवेद, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा धानवान्तर घृत है ना, प्रमेह के लिए हेडिंग भले पड़ा हुआ है प्रमेह पीड़िका, लेकिन चिकित्सा ये भी प्रमेह की ही चल रही है, समझ रहे हो। यस सर। तो ये भी एक तरीके से प्रमेह चिकित्सा चल रही है। तो याद रखिएगा, जिसके पास धन होगा आलस वही करेगा, आलस जो करेगा उसी को क्या होगा, प्रमेह होगा। तो धन्वंतर घृत कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, प्रमेह, ठीक है। यस सर। हमने लिखा है धनी को प्रमेह, तो धन्वंतर घृत प्रमेह में, लेकिन अगर ऑल ऑप्शन रहेगा तो आप देखिएगा मेह है, शोथ है, गुल्म, उदर, अर्श, प्लीहा, विरधि और पीड़िका को नष्ट करने वाला ये धन्वंतर घृत है। कभी आपसे योग नहीं, कंटेंट नहीं पूछा जाएगा है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद है 6वां श्लोक, दुर्विरेचे ही मधुमेहिना भवन्ति मेदो अभिव्याप्त शरीरत्वात् तस्मात् तीक्ष्णमे तेषां शोधनं कुर्वीत है ना। प्रमेह रोग में तीक्ष्ण संशोधन का उपदेश, शरीर में मेद की अधिकता के कारण मधुमेह से पीड़ित रोगी दुर्विरेच्य होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे अगर हम कोष्ठ की बात देखें, तो आपने पढ़ रखा है कि 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, मृदु कोष्ठ और मध्यम और क्रूर कोष्ठ। प्रत्येक कोष्ठ में हम लोगों ने दोष भी देख रखे हैं, तो इनका कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे मेद अधिक होता है वहाँ पे विरेचन बहुत कठिनाई से होगा, है ना, यही बात हुई। इसीलिए प्रमेह में तीक्ष्ण संशोधन, तीक्ष्ण विरेचन कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
कफ दोष की बात करें और दूष में बात करें मेद प्रभावी होता है, इसलिए यहाँ पे ये दुर्विरेच्य होता है, इसलिए तीक्ष्ण संशोधन कराना पड़ेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हो सकता है इतना ही पूछ ले दुर्विरेच्य कौन सा व्याधि है ना, या तीक्ष्ण तीक्ष्ण तेषाम शोधनम कुर्वीत कहाँ पे बताया गया है, तो याद रखिएगा ये प्रमेय के लिए बताया है सुश्रुत ने। और धनी प्रमेह ही में गर्मी में नहीं रखेंगे, इनमें किसी भी प्रकार का स्वेदन नहीं करना चाहिए, यानी प्रमेह रोगी में स्वेदन यहाँ पे निषेध बता दिया है, ठीक है। यस इसमें किसी प्रकार का स्वेदन नहीं देना चाहिए क्योंकि मेद की अधिकता के कारण स्वेदन से उसका शरीर गलता है। अब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये तो मेद को कफ करेगा, उष्णता और कफ को भी कम करेगा, तो फिर स्वेदन क्यों कंट्राइंडिकेटेड बताया गया, बस पढ़ ले उसको, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है यहाँ पे कि प्रमेह में जब मेद और कफ है तो उष्ण चिकित्सा स्वेदन हुआ, तो स्वेदन करना क्यों यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर पे। शरीर के निम्न भाग में पीड़िका होने पर रसायनियों, देखिएगा रसायनी नाम, रसायनियों में यहाँ पे आपका रस पित्त कफ और रक्त को वहन करवाने धन धमनियों, यानी रसायनी जो है धमनियों को बोल रहे हैं, धमनियों की दुर्बलता के कारण प्रमेह रोगियों के दोष ऊपर की ओर नहीं उठते हैं, इसलिए मधुमेह के रोगियों में शरीर के निम्न भाग में ही पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। मधुमेह नाम अधः काय पीड़िका प्रादुर्भवंती, पीड़िकाएं अधो भाग में ही क्यों उत्पन्न होती हैं, समझ में आया ये। आपको आंसर यही देना है कि रसायनी यानी कि धमनियों के दुर्बल होने के कारण प्रमेह रोगियों के दोष ऊर्ध्व भाग में नहीं जा पाते हैं, अधो भाग में ही स्थिर रहते हैं, इसलिए प्रमुख रूप से आपने देखा होगा बस्ती की तरफ ले जाके, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था जब संप्राप्ति पढ़ा था, है ना, जी ऊपर की ओर सर, जाते हैं, तो दोषों को ऊपर की ओर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए जो पीड़िकाएं हैं वो अधो मार्ग अधो भाग में ही होती हैं, ऊर्ध्व भाग में पीड़िकाएं ज़्यादातर नहीं होती हैं, तो रासायनिक इसका पर्याय है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया कि चरक ने प्रमेह पीड़िकाओं को शस्त्र साध्य बताया है। अपक्वा नाम तो पीड़िका नाम शोफवत प्रतिकार, पक्वा नाम व्रणवती, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बताया कि अपक्व और पक्व दो तरह की पीड़िकाएं होंगी, तो जो अपक्व है उसकी चिकित्सा शोफ के समान करेंगे और पक्व होने पे व्रण के समान चिकित्सा करेंगे, तो हमने लिखा है आप सोफे पर बैठें, आप मतलब अपक्व, सोफे पर मतलब शोफ के समान चिकित्सा करेंगे, क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया, सर। तो अपक्व पीड़िका की चिकित्सा शोफ के समान करेंगे और उसी को पक्व होने पे व्रण के समान चिकित्सा करेंगे, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, सालासारादि लेह, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने छोड़ रहा है, तो सालासारादि लेह इसमें कृष्ण लौह और ताम्र चूर्ण का और भल्लातक वगैरह का प्रयोग है, देख लीजिएगा इसको सालासारादिगण। फिर इसके बाद नवायस लौह, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, इसके कंटेंट सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, नवायस लौह 10 घटक द्रव्य हैं इसमें, नाम इसका नवायस लौह है, नव अयस है ना, तो कितने घटक द्रव्य हैं कुल 10, दस टिफला हो गया, सोंठ मरीच पिपली को क्या बोलते हैं, कटु बोलते त्रिकटु हैं, चिनाव चित्रक मित्रिमद नागरमोथा और पीड़न, इसको अगर हम देखें चिनाव या चुनाव बोलते हैं उसको हम त्रिमद को, है ना, ची ना व चित्रक नागरमोथा और विडंग, इसको त्रिमद में बोलते हैं, तो त्रिफला त्रिकटु त्रिमद, 3 3 6 3 9, ये हो गए, 10वां क्या हो गया कृष्ण लौह, ये 10 कंटेंट होते हैं, त्रिफला त्रिकटु त्रिमद और कृष्ण लौह मिला के नवायस लौह बनता है, कंटेंट याद हो गया। यस सर। त्रिमद याद करने का हमने ट्रिक बताया, चुनाव या चिनाव जो भी बोलिए, चित्रक नागरमोथा और विडंग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन द्रव्यों का मिलित नव भाग और इनके समान भाग कृष्ण लौह, यानी कि जितना ये नव रहेंगे उतना है कृष्ण लौह, अलग से लेंगे तो मेन कंटेंट क्या हो गया लौह हो गया,
और मधु और घृत इसका अनुपान है, और इसकी रोगाधिकार तो आपका प्रमेय में सुश्रुत ने बताया है, लेकिन ये अन्य व्याधियों में जैसे क्या है, पांडु है, शोथ है, कुष्ठ है, श्वास कास, इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? जी सर। पता नहीं क्या लिखे, पीपी में एनएलडी, नवायस, लोह, लोहारिष्ट, धन्वांतर घृत, एनएलडी से आपका तीन हो गए। देखिए लोहारिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमेय में, लोहारिष्ट नीचे, तो अभी हम लोगों ने नवायस लोह पढ़ा, लोहारिष्ट यहाँ पे है, डी से धन्वंतर घृत, है ना। तो पीपी मतलब प्रमेह पीड़िका वाले चैप्टर में, प्रमेह पीड़िका वाले चैप्टर में हम लोगों ने एनएलडी पढ़ा, याद रहेगा, जी सर। पीपी में एनएलडी, प्रमेह पीड़िका में एनएलडी, एन फॉर नवायस लव, एल फॉर लोहारिष्ट, डी फॉर धन्वंतर घृत, भूल जाना सब, पढ़ना लिखना मत कुछ। अभी आपका लोहारिष्ट कई व्याधियों में है, विषम ज्वर है, अभिष्यंद है, प्लीहोदर है, गुल्म है, कुष्ठ है, मेह, पांडु, ये सभी चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा, मार्क लीजिएगा। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग एक अतिसार निवृत्ति का लक्षण पढ़ते हैं, किसका, उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे उसको, जब सुश्रुत उत्तर तंत्र पढ़ेंगे। एक प्रमेह मुक्त के लक्षण हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, मूत्र पिच्छिलम अनाविलम, हम लोगों ने पढ़ा था आविल, प्रभूत आविल मूत्र था, है ना, लक्षण में जब शुरू शुरू में पढ़े थे, यहाँ पे अनाविलम लिखा हुआ है, पिच्छिलता रहित स्वच्छ हो, अनाविलम मतलब स्वच्छ हो जाए, वहां गंदा था ये स्वच्छ हो गया, विशद हो गया, और साथ ही साथ तिक्त और कटु, ठीक है, वहां पे विशद लिखा हुआ है, हिंदी में रूक्ष लिखा हुआ है, कौन सा सही है, जो संस्कृत में लिखा है सर। संस्कृत वाला ही पढ़िए, मूत्रम पिक्षलम अनाविलम विषदम तिक्त कटुकम, जब ऐसा आने लगे तदा आरोग्यम प्रक्षिप्ते, मतलब ऐसा समझना चाहिए प्रमेह की निवृत्ति हो गई या प्रमेह से मुक्त हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर है आपका मधुमेह, 13वां चैप्टर, तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि जब हम लोग चरक रसायन चिकित्सा पढ़ते हैं तो वहां पे आपको शिलाजंतु के बारे में बताया जाता है, कुछ याद आ रहा है, जी सर। वहां पे चार प्रकार के आपको जब हम लोग चरक में रसायन चिकित्सा तीसरा पाद पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखेंगे पेज नंबर 47 पे, चरक चिकित्सा पेज नंबर 47 पे देखेंगे, वहां पे शिलाजंतु के बारे में चरक ने बता रखा है, अगर बुक हो साथ में तो खोल सकते हैं आप उसको, मिला 47 पेज, यस सर, मिल गया। तो देखिए एक चार्ट बना होगा आपके सामने वहां पे, है ना, तो उसको याद करने का एक बताते हैं कि सुरताल होता है ना, सुरताल, सुरताल से मतलब स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, ठीक है। यहाँ देखिए हमने आपके जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है यहाँ पे हमने लिखा है कि चरक में चार प्रकार के शिला जो बताए हैं, सुरताल है ना, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। अगर दोष की बात करें तो जो स्वर्ण है वो वात पित्त शामक है, जो रजत है वो पित्त कफ शामक है, जो ताम्र है वो क्या है, कफ शामक है, और जो लौह है वो त्रिदोष शामक है, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ सामने भी आपके दिख रहा होगा। यस सर। यहाँ पे फिर हमने लिखा हुआ है रस रत्न समुच्चय ने चार प्रकार बताए हैं शिलाजंतु के, और दो प्रकार भी बताए हैं, जो दो प्रकार बताए हैं उसमें गौमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी बताए हैं, जिसमें गौमूत्र गंधी श्रेष्ठ होता है, ठीक है, समझ में आया, और इसमें श्रेष्ठ शिलाजंतु लौह वाला होता है, ठीक है। चरक वाले में आ जाइएगा, देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है लौह शिलाजंतु, 59 नंबर श्लोक देखिएगा, गुग्गुलू आभा, गुग्गुलू की आभा वाला दिख रहा है सबको, यस सर। तो श्लोक वहां चार्ट में भी आया हुआ है, कृष्णाभ गुग्गुलू के समान, जो लौह शिला जतु है कृष्ण गुग्गुलू के समान में है, जो ताम्र है वो मयूर कंठ के समान है,
देखिएगा श्लोक में 58 में आया ताम्रस से बहिर्कंठा, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है, बहिर्कंठा बस्ती क्वेश्चन पच्चते कटु। यस सर, यस सर। तो ताम्र वाला जो है वो उष्ण है, बाकी सभी शीत हैं। ताम्र शिला जादू को छोड़ के अन्य सभी शीत वीर हैं, दिख रहा होगा सबको। यस सर, तो ताऊ याद रखिए, ताऊ, ता से ताम्र, ऊ से उष्ण, बाकी सब कैसे हैं, शीत हैं। शीत। और अगर रजत को छोड़ दें तो बाकी सब में तिक्त है। रजत क्या है, कटु। कटु सर, रजत रजत रजत। को छोड़ के सब में तिक्त है, तिक्त की बात कर रहा हूँ, तिक्त तीनों में है। यस सर, यस सर। तो पहले में देखिएगा, अब तिक्त तो सब में हो गया, रजत कटु हो गया, जैसे ताम्र को उष्ण हमने कहा वैसे रजत को कटु याद रखिए, ठीक है। ताम्र उष्ण, रजत कटु, बाकी सब में तिक्त है। और ल से लौह, ल से लवण याद रहेगा। यस सर, ल से लौह, ल से लवण, यानी कि लौह में तिक्त तो रहेगा ही, साथ में कौन सा और ऐड हो गया, लवण। और मधुर देखिएगा शिला जंतु स्वर्ण वाले में है, ठीक है, याद हुआ। तो पहले में मधुर, लास्ट वाले में लौह में लवण हो गया, तिक्त सभी में है, किसको छोड़ के, रजत को छोड़ के। बचत को रजत क्या है, कटु है, ठीक कटू है। अब वर्ण की बात करें तो स्वर्ण वाला जो है रक्ताभ जपा कुसुम, लिख लीजिएगा चार्ट में, जपा कुसुम नहीं लिखा होगा, जपा कुसुम ऐड कर लीजिएगा। और जो रजत है वो श्वेत है, ताम्र मयूर कंठ के समान है, और लौह वाला जो है वो कृष्णाभ बुलबुलु, वहीं पे लास्ट में सब में लिख लीजिएगा दोष कर्म। पहले वाले में वात पित्त शामक, जैसे यहाँ पे लिखा है वीपी शामक, दूसरे वाले में यानी कि रजत में पित्त कफ शामक, ताम्र में उष्ण है तो कफ शामक होगा, और लौह वाले में त्रिदोष शामक, वो बना लीजिए इस तरीके, जिससे एक जगह पूरा का पूरा हो जाए। वर्ण वाला जो दिख रहा है ना, वर्ण वाला कॉलम, जी सर, उसमें लिख लीजिए जसमग, जसमग, ज से जपा कुसुम, स से श्वेत, श्वेत म से मोर मयूर मयूर, और क से कृष्ण, ओ सॉरी, ग से गुगलू। गुगलू। अब यहाँ पे आ जाइए जो आपके सामने है। हाँ, जो ये श्लोक पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये श्लोक आपका देखिएगा चरक में लिखा हुआ है, आपका पेज नंबर 49 पे देखिएगा, ये श्लोक नंबर 65 चरक में मिला, चरक में बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, न नास्तु स्वस्ति अस्ति रूप। रोगो भविष्याद्य रूपा, है ना, शिला दो है न जयेत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, शिलायाम यन्नम जयेत प्रसय। तो ये शिला जंतु के बारे में चरक की लाइन है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, साध्य रोग ऐसा कोई नहीं जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिला जंतु का प्रयोग बलात् नष्ट न करे, यानी कि सभी व्याधियों को, खासकर साध्य व्याधियां हो, शिला जंतु उन्हें ठीक करने में सक्षम है, सभी रोगों को नष्ट कर सकता है, ठीक है। यस सर, श्लोक याद रखिएगा इसको। ऐसे ही चरक चिकित्सा 12 में आप देखेंगे, कफजो नस रोगो अस्थि भल्ला तक के लिए आया हुआ है, एक श्लोक ऐसे मिलता जुलता भल्ला तक के लिए आया हुआ है। चलिए यहीं आ जाइए श्लोक, कुछ कुछ नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। गौमूत्र और कर्पूर गंधी किसने बताया है,
रस रत्न समुच्चय, सही। शिलाजित के भेद धातु विशेष के अनुसार रस वीर्य में विशेषता। भूतल पर इसके उत्पादक 6 स्थान प्रसिद्ध हैं और लौह धातु से लाख के तुल्य उत्पन्न होने के कारण इसे शिलाजित कहते हैं। यानी कि इन्होंने कितने भेद बता दिए अगर देखा जाए तो 6 प्रकार कह रहे हैं। ठीक है, 6 भेद कह रहे हैं एक तरीके से, लेकिन ऐसा माना नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, शिलाजंतु के सामान्य गुण की अगर बात करते हैं तो तिक्त कटु कैसा है, सर यानी रेचक है, विपाक में कैसा है, कटु है, उष्ण वीर्य है, शोषण और छेदन कर्म। ध्यान दीजिएगा, चरक ने चारों अलग अलग बताया है, लेकिन इन्होंने एक सामान्य गुण कर्म बता दिया है, तिक्त कटु और कषाय। अगर हम बात करें SKT, S for कषाय, K for कटु, T for तिक्त, शक्ति इसको लिख दिया है, और U for उष्ण वीर्य, K for कटु, यू के जहाँ पे उष्ण और कटु रहता है उसको हम यू के कहते हैं, तो यू के शक्ति है ना, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ सरम शब्द आया हुआ, सरम मतलब रेचन का कार्य करेगा ये। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो शोषण और छेदन कर्म भी है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधान शिलाजंतु क्या है, इसमें जो शिलाजंतु काला यानी कृष्ण होगा और अलघु है, अगर संधि विच्छेद करेंगे उसको तो कृष्णम अलघु, अलघु मतलब गुरु यस सर, है ना, गुरु। तो जो कृष्ण वर्ण का होगा गुरु होगा, स्निग्ध होगा है ना, शर्करा रहित होगा, निःशर्करम और गोमूत्र की गंध वाला होगा, वह प्रधान होगा। ठीक है, समझ में आया। तो गोमूत्र गंध ही शिलाजंतु को सुष्टुत भी प्रधान बताते हैं। फिर शिलाजंतु का विधान कैसे करेंगे, वमन विरेचन के द्वारा शुद्ध। चरक भी कहते हैं कि शिलाजंतु एक तरीके से रसायन है, तो रसायन वाजीकरण द्रव्यों के प्रयोग के पूर्व वहां भी संशोधन की बात कह रहे हैं। जैसे कि वहां पे उपमा दी है कि अगर वस्त्र पे रंग चढ़ाना है तो पहले उसको धो लें, उसकी गंदगी को हटा दें जिससे रंग अच्छी तरीके से चढ़े, ऐसा हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा। यहाँ भी शिलाजंतु के प्रयोग के पहले वमन विरेचन से शोधन की बात कर रहे हैं। सालासर आदिगढ़ के क्वाथ की भावना देखकर महीन पीसे हुए शिलाजंतु को सालासर आदिगढ़ क्वाथ के साथ ही अग्नि बल के अनुसार, इम्पोर्टेंट है, दिनोदय यानी प्रातः काल, टाइमिंग क्या है सुबेरे सुबेरे, और औषधि पच जाने पे जांगल मांस रस के साथ अन्न प्रयोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सालासरादिगण आप याद रखिएगा, ठीक है, प्रातः काल सेवन कराना है, दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है दोनों शिलाजंतु का शोधन कैसे करते हैं। कर्पूर शिलाजंतु का शोधन एलाक्वात से कर रहे हैं। एलाक्वात दिख रहा है सबको, तो यस सर। हमने केला लिखा हुआ है, तो से कर्पूर और ला से एला, केला याद करने के लिए। गोमूत्र शिलाजंतु का शोधन गोदुग्ध, त्रिफला और भृंगराज, याद करने के लिए भगत लिखा हुआ, भ से भृंगराज, ग से गोदुग्ध और त से त्रिफला, दिख रहा होगा सबको। तो भगत जो है शोधन किसका करेगा, गोमूत्र शिलाजंतु का। नहीं समझ में आ रहा। बोलो भाई। आ गया सर। आ गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा न सोऽस्ति भूमिसाध्य रूपो, तो जहाँ पे जत्व श्मजः आएगा तो वो जो है आपका अष्टांग हृदय का हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आई बात। इस श्लोक मिलता जुलता है, लेकिन जत्व श्मजः शब्द आएगा तो वो अष्टांग हृदय का हो जाएगा। शिलाजंतु की सामान्य मात्रा 2 से 8 रत्ती है रसतरंगिणी के अनुसार, ये हमने लिखा हुआ यहाँ पे। शिलाजंतु की 1 तुला
यानी 100 पल सेवन करने पर रोगी मधुमेह से मुक्त होकर कांतिमान और बलवान हो जाता है। ये बातें बताई यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। अभी हमने आपको चरक का लाइन बताया ही है ना, और अष्टांग हृदय में जत्वश्मज शब्द आएगा, और सुश्रुत में सेम श्लोक आएगा, तो वहां पे निहन्यान शब्द आएगा। पकड़ने के लिए बता रहा हूं मैं, तो निहन्यान किस में आएगा? सुश्रुत में। याद रखिएगा इसको। एक एक तुला शिला जादू का सेवन करने पर आयु के 100 100 वर्ष की वृद्धि तथा 10 तुला सेवन करने पर 1,000 वर्ष की आयु की प्राप्ति होती है। अतिशयोक्ति है आज के जमाने में। फिर कह रहे हैं, ऐसी कोई भी व्याधि नहीं है जो शिला जादू नष्ट न करता हो, यह दीर्घ काल से उत्पन्न शर्करा अश्मरी का भेदन करता है। शर्करा चिर संभूतां भिन्नति च तथा अश्मरी, अगर इतना ही रख के दे देगा, किस व्याधि के लिए है? पकड़ पाओगे? किस औषधि के लिए? शिला जंतु के लिए है। समझ में आया? अगर इतना 16वें श्लोक का सेकंड हाफ रख दे, पूछे कि किस औषधि के लिए है ये, तो आंसर आपका शिला जंतु होना चाहिए। ठीक है, अश्मरी का भी भेदन करेगा और चिरकालिक शर्करा का भी ये समाधान है आपका। ठीक है, इसमें हितकर औषधियों की भावना देनी चाहिए तथा इसके ही समान इसको घोलना चाहिए। ये सब चीजें हैं, तो याद रखिएगा, श्लोक इम्पोर्टेंट है। ऐसे चरक में भी है, ऐसे सुश्रुत में, ऐसे वाग्भट में भी है। और फिर इसके बाद मधुमेह में स्वर्ण माच्छिक और रजत माच्छिक का विधान, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने शिला जंतु पढ़ा, फिर स्वर्ण माच्छिक और रजत माच्छिक, तापीजम अमृतोपमम, दिख रहा है सबको? यस इसी प्रकार तापी नदी से उत्पन्न अमृत तुल्य मधुर स्वर्ण के समान मालूम पड़ने वाले रजत की कांति वाले अम्ल माच्छिक धातु, ब्रैकेट में इसी को स्वर्ण माच्छिक रौप्य माच्छिक लिखा हुआ है, इसको सेवन करने से जरा कुष्ठ मेह पांडु आमय क्षयान, दिख रहा है सबको? यस सर ये अम्ल माच्छिक के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अम्ल माच्छिक के लिए है, हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। कभी कभी ना यूजी में ऐसे थे कि उनका मतलब नहीं था, फिर भी हम बना लिए थे। चलो फिलहाल स्वर्ण माच्छिक और रजत माच्छिक याद रखिएगा, और फिर इसके बाद आपका याद रहेगा 18वां का सेकंड हाफ, ये जरा कुष्ठ मेह पांडु आमय क्षयान अम्ल माच्छिक के लिए है, याद रखिएगा इसको। ये बहुत पूछा जाता है, हालांकि ये रस शास्त्र का है, प्राणो रसेंद्रस्य माच्छिक के लिए है, स्वर्ण माच्छिक के लिए है। और ये बहुत पूछा जाता है रसशास्त्र, जो हम लोग पढ़ते हैं, दुर्मेल लोह द्वय मेल नश्च। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण माच्छिक के लिए है, रसशास्त्र में पूछा जाता है अक्सर, प्राणो रसेंद्रस्य किसे बोलते हैं, और दुर्मेल लोह द्वय मेलन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बोलो। यस सर यस सर ये 421 तोला किसकी मात्रा है ये, और 731 सप्ताह, कुछ याद आ रहा है? शिलाजीत की है। 4 पल और बताओ। फिर अर्ध पल हो जाएगा, फिर एक पल हो जाएगा। एक कर्ष, ये तोला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
ये तोला है, 421 तोला, यानी कि 4 तोला देंगे कितने दिन तक, खोल ही लीजिए, चलो वहीं पे बता रहे हैं। ये देखिएगा, इस पेज नंबर 45 मिला, चरक में ही देखिएगा, शिला जादू का प्रयोग करते समय, नीचे से मैं पढ़ रहा हूँ, शिला जादू का प्रयोग करते समय आहार में दूध की ही प्रधानता रहनी चाहिए, ऐसा कुछ मिला? यस सर। शिला जादू का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, उत्तम, मध्यम और अवर। तो जो उत्तम वाली मात्रा होती है, उत्तम की बात कर रहा हूँ, 4 तोला है ना, लगातार 7 सप्ताह तक, और लगातार 3 सप्ताह तक मध्यम करेंगे, और 1 सप्ताह तक अवर मात्रा प्रयोग करेंगे। और जो प्रवर मात्रा होती है वो कितने की है, 1 पल यानी 4 तोला है, जो मध्यम मात्रा है वो अर्ध पल यानी 2 तोला है, और जो अवर मात्रा है वो 1 तोला यानी 1 कर्ष का है। समझ में आ गया? यही हमने आपको प्रवर, मध्यम और अवर मात्रा इसकी है 421 तोला। और अगर समय में पूछा जाए, जो प्रवर मात्रा होती है वो 7 सप्ताह के लिए, जो मध्यम मात्रा होती है वो 3 सप्ताह के लिए, और जो अवर मात्रा होती है वो 1 सप्ताह के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उसको। और यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि शिला जादू और माचिक धातु के सेवन करते समय कपोत कुलत्थ वर्ज्य है, यानी कि कपोत और कुलत्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। दिख रहा है सबको, श्लोक नंबर 19। यस सर। इतने से काम नहीं चलेगा, चरक में देखिए, चरक में श्लोक नंबर 62, पेज नंबर 48 पे देखिए, 62 मिला। शिला जादू सेवन करते समय विदाही गुरु अन्नपान सेवन नहीं करना चाहिए, और कुलत्थ का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा, चरक ने केवल कुलत्थ के लिए मना किया है, सुश्रुत ने कुलत्थ कपोत के लिए मना किया हुआ है, और भाव प्रकाश और हृदय में कुलत्थ कपोत और काकमाची ऐड कर दिया है। तो चरक में सिर्फ एक है क्या, कुलत्थ, सुश्रुत में कबूतर भी आ गया, कुलत्थ और कपोत, और हृदय और भाव प्रकाश में एक और ऐड हो गया क्या, काकमाची। ठीक है, इस वही विमर्श में देखिए नीचे चौथी लाइन मिला, कुलत्थान काकमाची च कपोता सदा त्यजात, क्या त्यजेत करके लिखा हो कुछ ऐसा मिला। चरक के विमर्श की बात कर रहा हूँ, उसी श्लोक के 62वें श्लोक के विमर्श में नीचे चौथी लाइन देखिए, पेज नंबर 48 पे, यस सर, मिल गया। और नीचे से सेकंड लाइन में ये सुश्रुत वाला भी है, तद्भाविता कपोतांश कुलतांश विवर्जयत, मिल गया होगा यस सर। सब एक से, बहुत पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर हम चरक उठा के पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। शिला जंतु, इसके प्रवर, मध्यम, अवर मात्रा, चारों शिला जंतु के भेद, दोष, सामकता, उसका गुणधर्म क्या है, और मात्रा कितनी प्रयोग करते हैं, वो सब आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर इसके बाद तुवरक, तुवरक जनरली तुवरक जो होता है, हम लोग कहाँ इसको देखते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, कुष्ठ कुष्ठ में, लेकिन सुश्रुत ने मधुमेह में इसका वर्णन बताया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी मार्क करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस योग के द्वारा कुष्ठ रोग की भी चिकित्सा बुद्धिमान वैद्य को करनी चाहिए, पहली लाइन में बोल दिए हैं कि कुष्ठ की भी चिकित्सा करेंगे, लेकिन वर्णन हम भले मधुमेह में बता रहे हैं।
है ना। तो पश्चिम समुद्र के तट पर स्थित, तो सबसे पहले कि समुद्र के पश्चिम भाग पे या पश्चिम समुद्र तट, इसका पश्चिम शब्द याद रखिएगा। तुबरक वृक्ष के पके हुए फलों को वर्षा ऋतु में के आगमन पर एकत्रित करें, ये पहला। तो ये वो पश्चिम समुद्र तट। दूसरा होता है कि इसके जो फलों को कब एकत्र करेंगे, वर्षा ऋतु के आगमन पर। समझ में आया? यस फिर इसके बाद इस तेल को अग्नि पर पकाकर तेल के जलयांश को जलाएं और 15 दिन तक उपलों की ढेर में रखना है। करीशे शब्द आया, करीशे उपलों को बोलता है, बोला जाता है। दिख रहा है ये करीशे? यस सर तो 15 दिन तक रखेंगे। अब तुवरक की मात्रा ध्यान से देखिएगा। बलवान रोगी स्नेह संवेदन से दोषों को दूर कर 15 दिन पश्चात शुक्ल पक्ष के दिन चतुर्थ भक्तांत रहित तो होकर, है ना, तीसरे दिन प्रातः काल संसर्जन कर, ये सब दुनिया भर के एक कर्ष प्रमाण में, है ना, ध्यान दीजिएगा। और अष्टांग हृदय में इसकी मात्रा दिया है, पाणितल मात्रा प्रातः काल प्रयोग करने के लिए। इसमें आया है यथा बलम शब्द, यानी कि कैसा देना है, बल के अनुसार, अग्नि बल के अनुसार देना है तुवरक तेल को, ठीक है। यस और अष्टांग हृदय में पाणितल मात्रा देंगे। मज्जा सार सभी धातुओं को शुद्ध, शंख चक्र गदा को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण तुम्हें आज्ञा देते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रहे हैं। रेफरेंस याद रखिएगा यहाँ पे 26वें श्लोक का, कि ये मधुमेह के लिए है। फिर इसके बाद उसी बात तुवरक तेल के लिए कह रहे हैं कि वमन वेचन द्वारा रोगी के दोष के एक साथ बाहर निकलते हैं। फिर रोगी को अल्प स्नेह एवं लवण युक्त शीतल यवागु, हमने लिख दिया है तुवरक तेल, जिससे पता रहे कि कौन सा तेल चल रहा है यहाँ पे, यवागु सायंकाल दे रहे हैं। और इस विधि के द्वारा रोगी 5 दिन तेल पान करे और एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक क्रोध का त्याग करे और मूंग के यूज के साथ चावल का भोजन करे। ये सारी चीजें तुवरक तेल के विधान में है, पढ़ लीजिएगा इसको। इस प्रकार 5 दिन में ही रोगी सब प्रकार के कुष्ठों से मुक्त हो जा रहा है। चिकित्सा बता रहे हैं प्रमेह की और बार बार बात कर रहे हैं कुष्ठ की, ठीक है। कुष्ठ वैरी किसे बोलते हैं? सही सही बोलते हैं तुवरक सत्तुवारा को। कोई तू तुवरक को ही रहे बोलते हैं, तू बैरी। तो तुवरक तेल है आपका। और इसके बाद देखिए, इस तेल का 50 दिन तक नस से लेने से यह मनुष्य को उत्तम शरीर वाला श्रुतधर बना देता है। तुवरक तेल अगर 50 दिन तक नस से लिया जाए तो श्रुतधर श्लोक में आया हुआ दिख रहा है ना, यस सर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली सुनने से याद हो जाएगा। और 300 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। महाप्रभावशाली तुवरक कुष्ठ एवं प्रमेह को नष्ट करने में उत्कृष्टतम है। महावीर्य तुवरक कुष्ठ मेहापा, यही पूछा था, कुष्ठ मेहापा कौन सा है औषध? काली जितना गोला बनाया है ना, ये यही पूछा था कि इसके लिए सुश्रुत ने कहा है, याद रहेगा। यस सर तुवरक तेल, पता नहीं क्या क्या लिखा हो, तुवरक की मज्जा सेंधा नमक अंजन के अंतर धूम से जलाकर तुवरक तेल में मिलाएं और अंजन प्रयोग करने से अर्म रात्रांध कांच नीलिका और तिमिर, ये सभी, यानी कि एक तरीके से तुवरक तेल बनाने की बात कर रहे हैं। तुवरक अंजन, ये तुवरक अंजन है और उस अंजन से इतनी व्याधियों को ये नष्ट करने की बात कर रहे हैं सुश्रुत। तो तुवरक तेल भी याद रखिएगा, तुवरक अंजन भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है उदर चिकित्सा और मूल गर्भ, ये हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।